गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ रमेश चंद जी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 विषय गणित प्रश्नावली 7 तुल्य भिन्न पढ़ेंगे। शुरू करें। तुल्य भिन्न क्या होती है? देखो, ऐसी सभी भिन्न जो आपस में बराबर हो। समझ आ गया? देखो, 1/4 2/8, क्या 2/8 1/4 की तुल्य भिन्न है या नहीं? कैसे पता करेंगे? इसको हल करो। 2 को भाग देंगे, 1, और क्या मिला? 4। दोनों बराबर हैं तो 2/8 1/4 की तुल्य भिन्न है। समझ आ गया? ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। समझ आ गया? 3/4 में अंश कौन सा है? 3, हर 4। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। 1/2, 2 से गुणा करेंगे, 1/2 बराबर 2, 2/2 बराबर 4। समझ आ गया? ध्यान रखना, तुल्य भिन्न बनाते समय समान संख्या से अंश व हर में गुणा करते हैं। समझ आ गया? 2/3 अंश में 2 से गुणा, क्या मिला? 4, हर में 2 से गुना, क्या मिला? 6। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरिए। देखो, 1/3 क्या आया? 3। समझ आ गया? दूसरा, 14/7/21
बटे भाग सात, क्या मिला? 14 में भाग देंगे सात का, कितनी बार गया? दो बार, समझ आ गया? 21 में भाग देंगे सात का, क्या मिला? तीन, समझ आ गया? ओके, प्रश्न नंबर तीन, एक बटे पांच के बराबर चार तुल्य भिन्न लिखिए। कैसे लिखेंगे? कितने तुल्य भिन्न लिखनी है? चार। देखो, एक बटे पांच समान संख्या से गुणा करेंगे, दो से गुणा किया, क्या मिला? दो बटे दस। तीन से गुणा किया, क्या मिला? तीन बटे पंद्रह। चार से गुणा किया, क्या मिला? चार बटे बीस। पाँच से गुणा किया, क्या मिला? पाँच बटे पच्चीस। ये क्या मिल गई हमें? तुल्य भिन्न, समझ आ गया? किसकी तुल्य भिन्न? एक बटे पांच की, समझ आ गया? अभ्यास प्रश्न, नीचे दी गई भिन्न के अंश व हर को दो से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। दो बटे पांच अंश व हर में दो से गुणा करेंगे, कर लोगे? प्रश्न नंबर दो, रेगिस्तान को भरिए, बारह में चार का भाग देंगे, समझ आ गया? कर लोगे? ओके, थैंक यू।